English, class 11, Hornbill, lesson 2. We are not afraid to die when we are all together. We are not afraid to die if we can all be together. The narrator and his wife plan a voyage. Voyage is a long journey, especially by ship, around the world, just like famous Captain James Cook. जो नरेटर है उसकी वाइफ ने प्लान किया था जर्नी थ्रू शिप, जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. उनसे इंस्पायर होके उन्होंने भी किया प्लान. दे हैड बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फायरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 इयर्स. लास्ट 16 इयर्स से वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, अपनी स्किल को सी में ट्रैवल करने के लिए, जर्नी करने के लिए अपने आप को वो प्रिपेयर कर रहे थे फॉर लास्ट 16 इयर्स से. दे गेट अ शिप विच इज 23 मीटर लॉन्ग एंड वेज 30 टन्स वुडन हल्ड. उनको एक शिप उन्होंने रेडी किया जो 23 मीटर्स लॉन्ग था और जिसका वेट था 30 टन्स और उसका वुडन आउटर बॉडी था जिसका नाम था वेव वॉकर. उन्होंने उसको टेस्ट किया था रफ वेदर के लिए, जैसा कि सी में ऑफन होता है बहुत टाइम तक. एंड इन जुलाई 1976 उन्होंने अपना जर्नी जो है शुरू किया फ्रॉम प्लायमाउथ, दैट इज द पोर्ट सिटी ऑफ इंग्लैंड. फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन, और केप टाउन इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, विच वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट जर्नी था उनका. बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने से पहले द नरेटर हायर टू क्र्यूमैन, उन्होंने दो क्र्यूमैन जो उनके साथ शिप में ट्रैवल करेंगे उनको हायर किया, लारी एंड विगल एंड हर्ब सेगलर. To help them tackle one of the toughest sea, वो उनके साथ help करेंगे उनको sea को, problems को tackle करने में, solve करने में. जो सबसे ज़्यादा tough sea था, बहुत सारे difficulties से filled था, that is Indian Ocean, the Southern Indian Ocean. They encounter strong and alarming waves during the second day. जब सेकेंड डे हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा डरावनी वेव्स शुरू हो गए थे. और बाय दिसंबर 25 दे ऑल मैनेज टू रीच 35 किलोमीटर्स. उन्होंने 25 दिसंबर तक 35,000 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ, केप टाउन की तरफ जब बढ़ रहे थे तो इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया था. The family somehow manages to surpass the bad weather. जो weather थोड़ा बहुत खराब था वो उन्होंने manage कर लिया. And celebrates Christmas together. फिर Christmas उन्होंने celebrate किया. The weather changes for worse. और weather और ज़्यादा worse होने लगा, और खराब होने लगा. On January 2, the big wave hit them. बहुत सेकेंड जनवरी को वेव्स जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी और उनकी शिप को हिट कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वेव्स हिट कर रही थी शिप को, तो इसलिए उन्होंने शिप का जो स्पीड है वो कम कर दिया. और उसको कम करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग जिप था, जिप इज स्मॉल सेल जो ट्राइंगल शेप में होता है, दैट वी कैन सी हियर इन द फिगर, उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया. एंड हिट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस अ स्टर्न. स्टर्न जो है बैक पार्ट ऑफ द शिप होता है, और जिसको उन्होंने हैवी मूरिंग रोप से जो रोप शिप को बांधने के लिए यूज होता है, सेल को बांधने के लिए यूज होता है, उससे उन्होंने स्टर्न को भी बांध दिया. बट इट डजंट हेल्प मच, मतलब ये सारा जो अरेंजमेंट कर रहे थे उससे उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. उन्होंने कैरी किए थे लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो
इनफ्लेटेबल बोट होता है, इनकेस इमरजेंसी होता है कि आपका शिप जो है वो अगर डूब गया तो यू कैन टेक अ राफ्ट, स्मॉल बोट में आप अपनी लाइफ बचा सकते हैं। उन्होंने अटैच किए थे लाइफ लाइन्स, वो सारी चीज़ें जो उनको अपनी लाइफ सेव करने के लिए काम आएगी। उन्होंने डॉन लाइफ जैकेट्स भी लिए थे, जो जैकेट पहन के वो पानी में जंप कर सकते हैं, अपनी लाइफ बचा सकते हैं। एंड ऑयल स्किन, वो वाटरप्रूफ आउटफिट्स होते हैं जो पहन के वो पानी में जंप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कैरी की थी अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, इन केस इमरजेंसी अराइज होता है तो। लेटर इन द इवनिंग अ वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक्स, इवनिंग में बहुत ह्यूज हाई वेव्स उनके शिप को स्ट्राइक करने लगी, हिट करने लगी, और नरेटर जो है इज थ्रोन ऑफ द शिप, मतलब वो शिप से बाहर हो जाता है। ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ, उसको ऐसा लगता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी डेथ नियर है। एंड स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस, मतलब वो अनकॉन्शियस होना शुरू होता है। द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न, ऐसा इतना वेव हाई हो जाता है कि शिप को वो ओवरटर्न कर देता है, ह्यूज वेव हिट करती है अगेन एंड टर्न्स इट राइट बैक, फिर से ओवरटर्न होके वो बोट जो है वापस वो राइट बैक अपने पोजीशन में आ जाती है। ही सफर्स इंजरी इन द रिब्स एंड माउथ, नरेटर को बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं रिब्स में, माउथ में। एनी हाउ वो ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है गार्ड रेल को, जो रेलिंग होता है डेक पे, बोट के डेक पे, जैसे कि लोग हैं उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए कि वो बोट से गिरे नहीं। तो एनी हाउ वो नरेटर जो है वो गार्ड रेल को पकड़ लेता है और सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम, शिप का जो मेन बूम होता है उसको वो पकड़ लेता है। वी कैन सी द मेन सेल, मेन सेल का जो मेन बूम होता है उसको वो पकड़ लेता है और अपने आप को बचा लेता है। देन ही इंस्ट्रक्ट, अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शंस देता है कि व्हील को गार्ड करने के लिए, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि शिप के अंदर पानी आ रहा है, लोअर पार्ट्स जो है शिप के वहाँ से पानी अंदर आ रहा था शिप के। इस क्रूमैन स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर, उसके क्रूमैन जो है वो वाटर को पंप से बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। नरेटर जो है अपने बच्चों के कैबिन में जाता है उनको चेक करने के लिए कि वो ठीक है। उनकी जो डॉटर है शू इन्फॉर्म करती है कि उसके हेड पे बम्प हो गया है, कुछ उसको हर्ट हुआ है, जिसको वो नरेटर इग्नोर करता है क्योंकि उसका अब मेजर कंसर्न होता है कि शिप को सेव करना। नरेटर डज वाटरप्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स, जो होल्स हो गए थे शिप में जहाँ से पानी आ रहा था, वो होल्स को वो लॉक करने की करता है। दिस मेक द वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड, पानी जो है होल्स बंद हो जाते हैं तो वो दूसरी तरफ से वाटर डेविएट होके राइट साइड चला जाता है। द हैंड पम्प गेट्स ब्लॉक्ड, उनका जो हैंड पम्प है जिससे वो पानी बाहर निकाल रहे हैं शिप से, वो भी ब्लॉक हो जाता है डेब्रीज की वजह से जो शिप में गैदर हो गया था। और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप होता है वो भी शॉर्ट सर्किट होके बंद हो जाता है। हाउएवर लेटर ऑन उन्होंने स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप जो रखा था उसको यूज़ किया कनेक्ट करके, और वाटर को शिप से बाहर ड्रेन करना शुरू किया। उन्होंने पूरा नाइट रहके और पानी जो है पंपिंग आउट किया शिप से बाहर निकालने के लिए। देयर मेडी कॉल्स आर नॉट आंसर्ड, वो और कोई काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ वाटर को पंप आउट कर रहे थे, शिप में से बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि उनको अभी जहाँ पे पहुँचे थे दैट वाज द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो रिमोट प्लेस था पूरे वर्ल्ड में, ऐसा प्लेस पे वो पहुँच गए थे जो अननोन था।
स्ट्रू ऑन द अदर हैंड हैज नाउ अ स्वेलन ब्लैक आई, उसका आई जो है वो भी स्वेलन हो गया था, ब्लैक हो गया था. अ डीप कट इन हर आर्म, उसके आर्म में भी कट आया था. ऑन बींग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हर इंजरीज, जब फादर ने उनको पूछा, नरेटर ने अपनी बेटी को पूछा इंजरीज के बारे में, उसने अपने फादर को कुछ भी नहीं बताया बिकॉज वो अपने फादर को और ट्रबल नहीं देना चाहती थी, बिकॉज वो देख रही थी कि उनके फादर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं उन सब की लाइफ बचाने की. आफ्टर 15 आवर्स सिचुएशन जो है कंट्रोल में आया. नरेटर ने डिसाइड किया कि हम लोग रोटेशन में काम करेंगे, वाटर जो पंप करके शिप से बाहर निकालना है, तो वन बाय वन सब रोटेशन में कुछ घंटे काम करेंगे. द वाटर लेवल इज नाउ कंट्रोल, बट वाटर लेवल कंट्रोल में आ चुका था पर अभी भी शिप में कुछ लीक्स थे, होल्स हो गए थे जहाँ से वाटर अंदर आ रहा था. द शिप इज इन द बैड शेप नाउ, शिप का बहुत बुरा हाल हो गया था अब. इट इज़ नॉट इन द कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, अब उनके लिए बहुत मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया पहुंचना. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग किसी भी पास के आइलैंड, एम्स्टर्डम फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वो आइलैंड पे पहुंच जाएंगे और फिर वहां से कुछ हेल्प ले लेंगे. देन एज देयर सपोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज, द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन बहुत कम था, क्योंकि जो सपोर्ट करते हुए इंजन्स थी वो भी बहुत डैमेज हो चुके थे. तो अब डेस्टिनेशन जहां उनको रीच करना था ऑस्ट्रेलिया, वहां पे पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो गए थे. देन आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली, उन्होंने वाटर को पंप आउट करके शिप से बाहर निकाला कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर्स, एंड देन दे टुक अ साई ऑफ रिलीफ, उसके बाद उन्होंने शांति की सांस ली. Only a few centimeters of water was left. अब थोड़ा ही पानी बचा था बोट में जिसको बाहर निकालना जरूरी था. They hoisted the storm jib. अब उन्होंने फिर से जिब को hoist कर लिया, फिर से उन्होंने उसको ऊपर लगा दिया. As the main mast was destroyed, उनका जो ship का main mast था, मेन बूम था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उन्होंने स्ट्रॉम जिप को वापस लगा दिया. दे एट देयर फर्स्ट मील, दो दिन में उन्होंने पहली बार खाना खाया, कॉर्न बीफ और क्रैकर्स. फिर से वेदर जो है चेंज होने लगा, अगेन ब्लैक क्लाउड्स जो है वो स्काई में दिखने लगे. एंड ओवर बाय द मॉर्निंग, आज जनवरी 5 था, वेदर फिर से आज चेंज हो रहा था. And उनका जो बेटा है जोनाथन, told him that he didn't fear death, उसको मरने से डर नहीं लग रहा है जब तक वो सब फैमिली के मेम्बर्स साथ में हैं. उसकी वजह से जो नरेटर है वो डिटर्मिनेशन से फिल हो जाता है कि वो अब कैसे भी करके ये बैड वेदर से फाइट करके और डेस्टिनेशन तक कैसे भी करके पहुंच जाएंगे. द स्ट्रगल कंटिन्यूड, उन्होंने कोशिश करना छोड़ा नहीं. नरेटर ने ट्राई किया अपना बेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सबको, और जो वीक हो चुका था स्टारबोर्ड, दैट इज द राइट साइड ऑफ द शिप, उसको भी उसने रिपेयर करने की कोशिश की. The same evening, the narrator and his wife sat together holding their hands, thinking that their end was near. Narrator और उसकी wife दोनों ने अपना hands जो है अपना hold किया. उनको ऐसा लग रहा था, सोच रहे थे कि उनका end near है, अब वो जल्दी ही मरने वाले हैं. His children continuously supported him and gave him moral support to keep going. बच्चे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे कंटिन्यूसली कि उनको गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना है. द वेव वॉकर सेल थ्रू द स्ट्रॉम, जो शिप है वो सेल कर रही थी स्ट्रॉम में भी, एंड मेड इट
The narrator then calculated their exact position. Narrator ने find out किया कि वो exactly कहाँ तक पहुँचे हैं. और by working on the wind speed उनका जो instrument था उसको उसने check करके देखा कि वो कहाँ तक पहुँचे, उनका position क्या है at present. While he was brainstorming, वो बहुत हर तरीके से सोच रहा था. उसी टाइम शिव जो है गेव हिम अ कार्ड, उसके लिए कार्ड बना के लाती है और उसने वो सब एक्सप्रेस किया अपने फादर के लिए, जो उसका लव था, ग्रैटिट्यूड था टुवर्ड्स द फैमिली. देन ही इंस्ट्रक्टेड लारी टू स्टीयर द कोर्स टू 180 डिग्री. उसने लारी को इंस्ट्रक्ट किया कि जो शिप का व्हील है उसको 180 डिग्री पे घुमाने के लिए. He said that if they were lucky, अगर वो लकी होंगे तो इवनिंग 5 PM तक वो आइलैंड तक पहुंच जाएंगे. और उसके बाद वो रेस्ट करने चला गया नरेटर. सडनली वो उठा तो 6 PM हो चुके थे और उसको बिलीव हो रहा था कि उन लोगों ने वो आइलैंड को मिस कर दिया है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड था नरेटर. उसी टाइम उसका सन उसके पास आता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि वो उन लोगों ने रीच किया है, उनकी शिप जो है वो पहुंच चुकी है आइलैंड पे, एम्स्टरडम आइलैंड पे. एंड उनके बेटे ने उसको नरेटर को बेस्ट डैडी कॉल किया, बेस्ट कैप्टन भी बोला. दे रीच द आइलैंड विद अ लिटिल स्ट्रगल, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, ईजिली वो आइलैंड तक पहुंच गए और उन्होंने हेल्प लिया वहाँ के आइलैंड पे जो रहने वाले लोग थे, उनका टीम था, फैमिली मेंबर्स थे और दो क्रू मेंबर्स थे. उन्होंने स्टॉप नहीं किया ट्राई करना, गिव अप नहीं किया, कंटिन्यूसली वो ट्राई करते गए, स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया एंड फाइनली उन्होंने अपना लाइफ सेव कर लिया. आई हैव पुट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस presentation. We are done with the presentation and the lesson. Thank you.